ओम शांति। रूप एक कर्तव्य अनेक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन काल से भारत में गीत संगीत एवं नृत्य का बहुत महत्व रहा है और इसी कारण भारत को एक नया आयाम भी मिला। गीत और संगीत प्रेमी परमात्मा को बहुत सहज रीति याद कर पाते हैं और उनके प्रेम का अनुभव भी सहज रूप से कर पाते हैं। कला प्रेमी परमात्मा को नटराज भी कहकर पुकारते हैं। नटराज अर्थात सर्व नटों का राजा, अर्थात सर्व कलाओं का राजा। तो आज ऐसे कला प्रेमी अपने नृत्य के माध्यम से परमात्मा को अपने कला का समर्पण करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। गीत मन के विभिन्न भावों के प्रत्यक्ष स्वरूप है, अर्थात जिस तरह के हमारे मन के भाव होते हैं उसी तरह के शब्द, उसी तरह के सुर और उसी तरह के ताल का हम चयन करते हैं और उसी तरह के संगीत का हम रूप दे देते हैं, और वही संगीत हमारे मन के भावों को फिर से बदलने का एक साधन भी बन जाता है। अर्थात जिस तरह के गीत होते हैं उसी तरह के हमारे मन के भाव भी बन जाते हैं। जब गीत दुखों भरे भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं तो हमारा मन भी दुख के लहरों से संपन्न बन जाता है, और जब गीत सुखों भरे भावनाओं से भरपूर होते हैं तो हमारा मन फिर से सुखमय हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब गीत के एक एक बोल रूपी पुष्प के अंदर भगवत प्रेम के खुशबू से परिपूर्ण हो संगीत के धागे से पिरोए जाते हैं तो मन प्रभु प्रेम में मगन होकर मयूर के रूप में नाचना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे हमारे मन के अंदर परमेश्वर की छवि स्मृति के रूप में स्थायी बन जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम की महिमा अपरम अपार है। उनकी महिमा केवल गीतों में सीमित नहीं है, अपितु सर्व मनुष्य आत्माएं हृदय से ये अनुभव करती हैं कि वो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कल्याणकारी है और सुंदर भी है, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं का संबंध उस विश्वनाथ के साथ है ही है। इसलिए ये गीत गाए जाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रवणम, तुम ही हो, तुम ही हो शिक्षक, तुम ही सद्गुरु हो। कई आत्माएं परमात्मा को पिता के रूप में याद करते तो कोई माता के रूप में याद करते तो कोई सखा, कोई बंधु तो कोई साजन के रूप में भी याद करते हैं, लेकिन जब अपना सर्व संबंध उस शिव भोलेनाथ के साथ, शिव शंभु के साथ जोड़ लेते हैं तो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे का सुख रस आत्मा पान करने लगती है। परमात्म पालना, परमात्म दुआएं सर्व संबंधों से वे अनुभव करने लगती है। उनके दिव्य ज्ञान से वे अपने भाग्य का सूर्य उदय होता हुआ स्पष्ट नजर आता है, और शिवमय बसंत मन के अंदर छाने लगता, जीवन मधुबन बन जाता है। तो आइए अभी हम एक बहुत सुंदर स्नेहयुक्त गीत सुनते हैं और इस गीत को सुन करके अपना सर्व संबंध उस सर्वेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं और इस गीत में मगन होकर अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं ब्रह्म कुमारी विधात्री और ब्रह्म कुमारी वर्णिका। अनादि है शिव
जीव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सब का ठिकाना है। सत्यम शिवम समुद्र है, हम सरिताएं मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवान ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संतान हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचान है। सत्यम शिवम ज्योति
मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर मन उसको नमन बार बार करता मन का स्वयं श्रृंगार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है शिव अनादि है अनादि है शिव अनंत है अनंत है मधुबन शिव वसंत है। शिव भोलानाथ शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला आशुतोष है, इसीलिए उनको भोलों का भगवान भी कहा जाता है। परंतु वे पतित पावन भी है, गीता ज्ञान दाता भी है और ज्ञान का सागर भी है। वे अपने दिए हुए वचन अनुसार फिर से इस वसुंधरा पर आकर के पतित से पावन बनाने वाला गीता ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। परंतु इस धरा पर भी कहाँ आए हुए हैं, किसके माध्यम लेकर के वे अपना श्रीमत दे रहे हैं और किस प्रकार से सर्व आत्माओं को गति और सदगति दे रहे हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक बहुत सुंदर गीत आप सभी प्रभु प्रेमियों के लिए अभी लाए हैं। आप सभी इस गीत को सुन करके शिव सागर के लहरों में लहराते रहें और शिव के सानिध्य का अनुभव करते रहें। गीत के बहुत सुंदर बोल हैं, निराकार शिव है आए, और इस गीत में अपने नृत्य के दिव्य कला को अर्पण करने के लिए हमारे साथ है कुमारी आद्या। तो आइए हम सभी इस गीत को सुन करके मगन हो जाए, प्रभु प्रेम को अपने दिल में बसा ले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने
बहुत सुंदर शब्द, संगीत एवं नृत्य का समावेश था, जिसे देखकर हमारा मन भी अलौकिक भावनाओं से भरपूर हो गया, प्रसन्न हो गया। तो ऐसी ईश्वरीय भावनाओं को अपने मन में समाते हुए अपने आप को ऐसा सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं जैसा स्वयं परमात्मा हमें देखना चाहते हैं। कल हम देखेंगे परमात्मा की आराधना के विभिन्न रूप एवं शिव की प्राप्ति के सच्चे स्वरूप। ओम शांति।